हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। मैं हूँ सुरभि और आज हम बात करेंगे डॉग ब्रीड सैमोइड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सैमोइड का ओरिजिन रशिया के साइबेरिया में हुआ था। इसको वहाँ के सैमोइडे पीपल जो होते थे उन्होंने इसे डेवलप किया था एज अ हंटिंग डॉग, स्लेज डॉग और हर्डिंग डॉग, इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग डॉग होते हैं। सैमोइड जो है वो स्पिट फैमिली को बिलोंग करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है इंडियन स्पिट जैसा है। स्पिट फैमिली बहुत बड़ी है जिसमें कि साइबेरियन हस्की, अलास्कन मलामयूट, चाओचाओ जैसे डॉग भी आते हैं। इसकी फीमेल जो होती है उसका वेट 60 से 20 केजी तक होता है और मेल का वेट 20 से 30 केजी तक होता है, जिससे पता चलता है कि इसमें और इंडियन स्पिट या बाकी जो भी स्पिट्स हैं उनमें कितना अंतर है। क्योंकि स्पिट्स जो होते हैं जनरली छोटी ब्रीड होती हैं, जैसे जर्मन स्पिट वगैरह हो गया, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी मस्कुलर होता है। ठीक है, इसकी जो हाइट होती है फीमेल की वो 48 से लेके 53 सेंटीमीटर तक होती है और मेल की हाइट 53 से लेके 60 सेंटीमीटर तक। बात करें इसके फिजिकल अपीयरेंस की, तो इसका हेड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मजल इसकी जो होती है वो मीडियम लॉन्ग होती है और इसके जो लिप्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और कर्व्ड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो होता है ना एक स्माइलिंग लुक आता है, जिसकी वजह से इसको द स्माइलिंग डॉग के नाम से भी जाना जाता है और इसको सेमी स्माइल भी बोला जाता है। सैमोइड की आइज़ की शेप के बारे में बात करें तो इसका ऑलमंड शेप आइज़ होती हैं, डार्क ब्राउन कलर की होती है और उनका जो रिम होता है यानी आसपास जैसे आउटलाइन सी होती है वो ब्लैक कलर की होती है। इसके जो ईयर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं और ट्रायंगल शेप में होते हैं और इसकी बॉडी के हिसाब से काफ़ी छोटे ईयर्स लगते हैं देखने में। इसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मस्कुलर होती है और हमेशा स्ट्रेट खड़े होते हैं ये। ठीक है, इनके जो फीट होते हैं वो ओवल शेप में होते हैं, लेग्स इनकी जो होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होती हैं। और ये ना काफ़ी मस्कुलर डॉग है लेकिन क्योंकि इतने फ्लफ़ी से दिखते हैं इसकी वजह से हमें लगता है कि बस ये बहुत सॉफ्ट से, फ्लफ़ी से, गुदगुदे से टाइप के ऐसे लगता है डॉग हैं, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डॉग होते हैं और इनका मसल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं बॉडी में, जो इनके स्लेजिंग वगैरह में हेल्प किया करते थे। इसका जो कोट होता है वो काफ़ी हैवी होता है, ठीक है, और डेंस लेयर कोट होता है, डेंस सॉफ्ट कोट होता है और टेल पे कोट लॉन्ग होता है, चेस्ट पे भी कोट लॉन्ग होता है, नेक पे लॉन्ग होता है, लेकिन जो हेड होते हैं और फ्रंट लेग होते हैं आगे के उस पे शॉर्ट लेयर कोट होता है। इनकी जो टेल होती है वो ऊपर की तरफ कर्ड होती है एकदम, और उस पे टेल पे जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा कोट होता है तो काफ़ी फ्लफ़ी सी टेल लगती है, खासकर जब ये दुम हिलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सैमोइड की कोट कलर की बात करें तो सैमोइड जनरली वाइट कलर में ही मिलते हैं, लेकिन कई बार इसमें हल्का सा क्रीमिश कलर या बिस्किट वाइट कलर भी देखा जाता है, तो वाइट के ही अलग टाइप हो गया। मतलब बात करें सैमोइड के बिहेवियर की तो सैमोइड बहुत ही हैप्पी, लविंग और एक्टिव डॉग ब्रीड है। ये हमेशा ही ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक छोटा बच्चा पपी होता है ना 2-3 महीने का, जो हमेशा एक्टिव रहता है, खेलता कूदता खुश रहता है। इस तरीके से एक बड़ा सैमोइड भी 4-5 साल का भी होगा, वो भी आपको हमेशा एक पपी की तरह ही लगेगा, हमेशा खेलता कूदता खुश था। और जैसे बताया मैंने कि सैमोइड स्माइल जो होती है, सैमी स्माइल या स्माइली डॉग भी बोला जाता है, वो भी क्योंकि हमेशा खुश रहता है और ऐसा लगता है हमेशा स्माइल कर रहे हैं, इसको देख के आप भी खुश हमेशा हो जाओगे। लेकिन हाँ, इसके अंदर ये है कि इनके अंदर थोड़ी गार्डिंग वाली भावना भी होती है, जिसको गार्डिंग से ज़्यादा वॉच डॉग ज़्यादा बोला जाएगा, क्योंकि ये अलर्ट काफ़ी होते हैं, थोड़े से अलर्ट हो सकते हैं, मतलब कि भौंक सकते हैं थोड़ा ज़्यादा, और ये हॉलोइंग भी थोड़ी ज़्यादा करते हैं, तो उस चीज़ पर ध्यान देने की बात है, नहीं तो वैसे ही काफ़ी अच्छे हैप्पी लविंग डॉग होते हैं। इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग इनको जितना जल्दी सिखाना शुरू किया जाए उतना अच्छा है। इनको सोशलाइजेशन ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया इनकी हिस्ट्री में जो है हर्डिंग है, हंटिंग है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कई बार हो सकता है कि थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम हो जाए, पर ये वैसे एग्रेसिव डॉग नहीं है। पर हाँ, इनको सेपरेशन एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब इनको अकेले रहना पसंद नहीं होता है, ओवरऑल ये सबके साथ खुश रहते हैं। बात करें इसके हेल्थ और ग्रूमिंग नीड्स की, तो इसके हेल्थ के अंदर हिप डिप्लेशिया, डायबिटीज़, आई प्रॉब्लम और भी कुछ प्रॉब्लम देखी गई, स्पेशली अगर ये गर्मी में रहेगा तो, क्योंकि ये बहुत ठंडी जगह से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, तो इनको ठंडक की ज़्यादा आदत होती है, इसलिए इनको गर्म जगहें सूट नहीं करती हैं। इसकी ग्रूमिंग नीड्स की बात करें तो इसकी ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा हैवी पड़ती है, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा बाल होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी डबल लेयर कोट होता है, तो उसको रेगुलर ग्रूमिंग की, ब्रशिंग की, क्लीनिंग की, बाथिंग की, ऊपर से थोड़ा बहुत कटिंग की अगर गर्मी है तो, और शेडिंग जब इनकी होती है तो भी बहुत ज़्यादा शेडिंग होती है, इसलिए इनको प्रोफेशनल ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसकी हिसाब से ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं, मतलब आपको भी। और अगर आप एक्टिव नहीं हैं, अगर आप ग्रूमिंग नहीं कर सकते, अगर टाइम नहीं दे सकते, तो फिर ये आपके लिए सही डॉग नहीं रहेंगे।
और देखा जाए तो सैमॉयड एक बहुत ही अच्छा फैमिली डॉग है, बहुत ही अच्छा पेट होता है ये। डॉग के साथ, कैट के साथ, किसी भी एनिमल के साथ अच्छे से रह लेते हैं, बच्चों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, अगर आप अपार्टमेंट में भी रहते हैं उधर भी आराम से रह लेते हैं। पर इनको थोड़ा सा प्रॉपर एक्सरसाइज ज़रूर चाहिए और हॉट वेदर में इनको ना रखें बस। तो ये बहुत ही अच्छे डॉग रहते हैं, ऐसे डॉग रहते हैं कि हर बंदा, अगर आप एक बार किसी सैमॉयड से मिलेंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही लविंग, बहुत ही हैप्पी, हमेशा खुश रहने वाले डॉग हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो सैमॉयड डॉग ब्रीड के बारे में। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ पर भी जाके हमें फॉलो कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।